उधम सिंह नगर जिले के जसपुर विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों पतरामपुर ग्रामीण क्षेत्र में तेंदुए ने आतंक मचाया हुआ है। ग्रामीणों की बार बार शिकायत के बाद भी वन विभाग लापरवाह बना रहा है, तो आज ग्रामीणों ने सुबह वन विभाग को गन्ने के खेत में गुलदार की होने की सूचना दी, लेकिन अधिकारियों के न पहुँचने पर ग्रामीणों ने वन विभाग के कर्मचारियों को बंधक बना लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जसपुर के ग्रामीण क्षेत्र पतरामपुर में बढ़ते गुलदार के आतंक से भयभीत ग्रामीणों ने वन विभाग की बढ़ती लापरवाही से परेशान होकर आज वनकर्मियों को गन्ने के खेत में गुलदार छुपे होने की सूचना दे दी, जिस पर विभागीय अधिकारियों के न आने पर विभागीय कर्मचारियों को 2 घंटे तक भारी धूप में बंधक बनाए रखा गया। अब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में वन विभाग के कर्मचारियों को बंधक बनाया गया है और ग्रामीण वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गुलदार आए दिन ग्रामीणों पर हमले कर रहा है, लेकिन वन विभाग मूक दर्शक बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग के DFO को घटना की सूचना दी गई थी, लेकिन उन्होंने कोई भी कार्रवाई करने के बजाय अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। वहीं SDO कुंदन सिंह खाती ने बताया कि क्षेत्र में एक मादा और 2 शावक देखे गए हैं। वन विभाग की टीम शाम 6 बजे से सुबह तक क्षेत्र में गश्त कर रही है। इसके अलावा वनजीव प्रतिपालक से पत्राचार किया गया है कि मादा गुलदार को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया जाए। इसके अलावा वन विभाग क्षेत्र में लगातार मुनादी कर रहा है। गाँव के अंदर गन्ना खाते ऊंचा है, जिससे दिखाई कम दे रहा, कभी दिखाई दे रहा तो हम उसे तरीके से आका लगा के बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। और गांव वाले साथ दे रहे हैं, पहले पहले बढ़ा करके वाले खेतों से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लाइव उत्तराखंड के लिए जसपुर से अंकुर जैन की रिपोर्ट।